ए भाई, ठीक है, इस टेबल को ज़रा गौर से देख ले। ये एन वैल्यू है और एक टोटल नंबर ऑफ आइसोमर है। तो जैसा कि हमने अभी पढ़ लिया कि कार्बन नंबर वन से लेकर कार्बन नंबर सेवन तक फार्मूला क्या है, सेम है ये वाला, ये फार्मूला यूज़ होता है, टू टू द पावर एन माइनस फोर प्लस वन। तो हमने ये निकाल लिया इस फार्मूला की मदद से, अगर एन वैल्यू वन है तो नंबर ऑफ आइसोमर कितने हैं, वन। इस तरह टू है ईथेन के लिए तो वन है, प्रोपेन के लिए कितने हैं, वन है, ब्यूटेन के लिए टू है, पेंटेन के लिए थ्री, हाँ पेंटेन के लिए कितने, थ्री, हेक्सेन के लिए फाइव, अब हेप्टेन के लिए कितने, नाइन। अब फार्मूला दोबारा चेंज होता है इन तीनों के लिए, ठीक है, ये जेन में रख लें, अक्टेन एट, ठीक है, ये फार्मूला है। अब हमने निकाल लिया तो टोटल नंबर आइसोमर कितने हैं, एटीन है। नोनेन के लिए फिर दोबारा फार्मूला चेंज होता है, ये फार्मूला है, नोट करते जाए, हाँ नोनेन एन नंबर क्या है, नाइन है, तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने हैं, 35 है। इस तरह डिकेन के लिए जो है फार्मूला दोबारा डिफरेंट है, टू टू द पावर एन माइनस फोर प्लस वन और प्लस एन। तो जब हम इसको सॉल्व करें तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने हैं, 75। अब ये भी जहन में रख लें कि अगर चलो हमें यह फार्मूला हमें मालूम ना हो, ठीक है, या भूल गए हो, तो मीन ये सब के सब या क्या करें, ऐड करें, ठीक है, वन टू थ्री, थ्री हो गए, थ्री ओवर टू कितने हो गए, फाइव, फाइव ओवर टू एट, एट ओवर फाइव कितने हो गए, मीन थर्टीन, थर्टीन ओवर नाइन ट्वेंटी टू, और फिर ट्वेंटी टू ओवर एटीन, फोर्टी, फोर्टी ओवर थर्टी फाइव, तो टोटल कितने हो गए, 75। तो इस तरह भी आपको डिकेन के लिए इन तमाम पॉसिबल आइसोमर मीथेन से लेकर नोनेन तक क्या करेंगे, उन तमाम आइसोमर को ऐड करोगे तो मीन हमारे साथ डिकेन का इसी तरीके से भी ऑल पॉसिबल आइसोमर मीन टोटल आ जाएंगे। तो ये कुछ फार्मूला थे, ये जेन